हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा स्पाइन ब्लॉग। कैसे आप सब, और कैसे हैं सब प्रेग्नेंट लेडी? कोरोना टाइम बहुत भयंकर वाला चालू है, और मुंबई में तो बहुत ही हालत ख़राब है। आप लोग के यहाँ पे कैसा है बताइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए था आप लोग से। कितने लोग का, जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उसमें से कितनी प्रेग्नेंट लेडी हैं जिनके निप्पल का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है? और चेंज मतलब किसका डार्क कलर दिख रहा है, डार्क ब्राउन हो जाता है, डार्क ब्लैक हो जाता है, पिंक कलर आता है, तो कितने लोग का चेंज होना स्टार्ट हो गया? तो हम आज के वीडियो में आप तो समझ गए होंगे कि बात करने वाले हैं कि निप्पल के कलर के बारे में, कि ब्रेस्ट का साइज और निप्पल का कलर। तो ये मैं बता दूं कि ये जो निप्पल का कलर है, ये जहाँ पे ऑलरेडी हमारे बॉडी पास जो थोड़े से डार्क होते हैं ना, तो जो अगर हम प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारे लेडीज़ के बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं हार्मोन्स की वजह से। तो जो मेलेनिन होता है वो जहाँ ऑलरेडी थोड़ा सा डार्क होता है तो वहाँ पे वो और ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो उसकी वजह से मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे वो बढ़ते जाता है, उसकी वजह से वो जो डार्क जगह है वो और ज़्यादा डार्क होने लगता है, या पिंक होने लगता है, ब्राउन होने लगता है, सॉरी ब्राउन होने लगता है। बहुत सारे लोगों के बॉडी में हार्मोन्स उस हिसाब से चेंज नहीं होते, तो उनका पिंक कलर का हो जाता है और ग्लो हो जाता है, अच्छा हो जाता है। बट बहुत सारे लोगों के डिपेंड हार्मोन्स कैसा, आपका हार्मोन्स किस हिसाब से चेंज हो रहा है उस हिसाब से फिर वो डार्क होने लगता है, ठीक है? किसी का ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन हो जाएगा, किसी का डार्क ब्लैक होने लगता है, और उसका साइज़ भी जो है वो बड़ा होने लगता है, बड़ा हो जाता है। जो हमारा पहले का साइज़ था उसके हिसाब से प्रेगनेंसी में साइज़ भी निप्पल का बड़ा हो जाता है, ब्रेस्ट भी बड़ा साइज़ हो जाता है, क्योंकि उसमें दूध का ग्रोथ होना स्टार्ट, दूध बढ़ने लगता है, इसकी वजह से वो भी थोड़ा सा साइज़ में थोड़ा हैवी हो जाता है। और जो निप्पल है वो भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, और उसके कलर भी चेंज होने लगते हैं। तो उससे आप टेंशन मत लीजिए कि ऐसा कैसा हो रहा है। तो वो होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो मेलानिन का थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, तो उसकी वजह से वो चेंजेस आते हैं। किसी किसी को आफ्टर प्रेगनेंसी वो धीरे धीरे वो कलर वापस अपने जैसे वो पहले था वैसा हो जाता है, किसी किसी को वो परमानेंट ही हो जाता है, वो वैसा ही रहता है। पर मोस्ट ऑफ देखा जाए तो वो वापस अपने पोजीशन पे, अपने कलर पे आ जाता है। बिकॉज सेम मेरे साथ हुआ, मेरा जो निप्पल का कलर था वो मैंने जब नोटिस किया तो मैंने सेकेंड और थर्ड मंथ में नोटिस किया था, उसका कलर जो है वो धीरे धीरे वो डार्क होने लगा था, मतलब डार्क को ब्लैक होने लगा था। ब्राउन, पहले ब्राउन हुआ, थोड़ा डार्क ब्राउन हुआ, फिर ब्लैक में कन्वर्ट होने लगा, ऐसे ऐसे करके मुझे वो बहुत बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया था, वो जो एरिया होता है वो निप्पल का। तो मेरे केस में ऐसा हुआ था, और मुझे बेबी बॉय हुआ है वो तो आपको पता है। तो बोलते हैं कि जो हार्मोन्स होता है ना बॉय का, उसकी वजह से अगर आपका डार्क ब्राउन हो रहा है, डार्क ब्लैक हो रहा है, सॉरी निप्पल का कलर, तो वो जो बॉय होता है ना उनका हार्मोन्स हमारे अंदर डेवलप होता है, उसकी वजह से ना निप्पल में ये कलर आता है, डार्क ब्लैक हो जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो और अगर गर्ल होते हैं तो वो पिंक होता है, ग्लो पिंक आ जाएगा, और ग्लो हो जाएगा, ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ में गर्ल होने पे भी हल्का लाइट ब्राउन भी होता है, पर डार्क कलर, डार्क जो डार्क ब्लैक हो जाएगा, डार्क एकदम ब्राउन हो जाएगा, वो मोस्ट ऑफ बेबी बॉय होते हैं तो होता है। मेरे से केस में भी सेम था, मेरा तो डार्क ब्लैक हो गया था एकदम। अब धीरे धीरे ना वो अपने जैसा पहला था वैसा हो रहा है, धीरे धीरे मोस्ट ऑफ हो गया है, 60-70%, थोड़ा और बाकी हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों का नहीं भी होता है, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? अभी वो परमानेंट हो गया कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है? तो और ब्रेस्ट का साइज़ जो है ना वो आपको फर्स्ट मंथ में ही दिखने लगेगा, आपको दर्द होगा ब्रेस्ट में हल्का हल्का सा, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो दर्द होगा थोड़ा सा ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट हैवी होने लगता है ना, तो दर्द भी होता है, बड़ा भी होगा साइज़। और कहाँ कहाँ पे काला होता है बॉडी पार्ट्स में, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि अगर जैसे कि मुझे बेबी बॉय था तो मुझे कहाँ कहाँ पे ब्लैक होने लगा था, मतलब बॉडी पार्ट्स में। देखिए ये नेक जो है ना मेरा, ये पूरा ना अपने आप ये
कितना भी साफ कर लो, कितना भी स्क्रबिंग कर लो, कुछ भी कर लो, ये ना नहीं जाएगा, ये ब्लैक होना चालू हो जाएगा, ये पूरा पार्ट ना, ये पीछे का ज़्यादा, ये ऑलमोस्ट ये यहाँ तक का आप देखोगे बहुत ज़्यादा अपने आप ऐसे ब्लैक 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 हो जाएगा, जैसे आपके निप्पल पे ब्लैक होगा, मतलब वो छाई छाई जैसा होता है ना, छाई छाई वैसा पूरा ब्लैक हो जाता है निप्पल पे, वैसा ही यहाँ पे भी होगा ये पूरा नेक, ठीक है। आपके अंडर आर्म्स पूरा काफी आगे तक पूरा ब्लैक ब्लैक दिखने लगेंगे, आप कितना भी साफ करो वो नहीं साफ होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी क्रीम लगा लो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि निप्पल डार्क होने लगता है ना, तो डर जाते हैं कि ये क्रीम वो क्रीम फलाना ढिकाना करके लगाने लगते हैं, पर मत लगाइए, क्योंकि वो अपने आप वो नेचुरल चीज़ है, वो हार्मोन्स अंदर से चेंजेस होता है ना, तो अपने आप वो ब्लैक पड़ता है, ब्राउन पड़ता है, और बहुत उसका टेंशन मत लीजिए। देखिए मेरा भी पूरा नेक ना बहुत काला हो गया था, बहुत ज़्यादा काला हो गया था, तो ये देखिए अब आफ्टर डिलीवरी ये बिना कुछ किए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अब जो 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 भी हुआ था मेरे बॉडी पे, मुझे समझ में आ गया था कि हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, तो मैंने अपने बॉडी पे कुछ भी ट्राई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हाँ, आफ्टर डिलीवरी मैंने फेस के लिए नेचुरल चीज़ें यूज़ किया घर में, होम रेमेडीज बना के, बट क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करना है। अगर आपको भी फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ रहे हैं, डार्क हो गया है, फेस खराब हो गया है बिल्कुल, तो आप टेंशन मत लो, आपके आफ्टर डिलीवरी ना वो हार्मोन्स की वजह से खराब होता है, वो आफ्टर डिलीवरी धीरे 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 2-3 महीने में वो कवर अप हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे ठीक होना हो जाएगा। तो मैं तो नहीं बोलूँगी कि कुछ केमिकल यूज़ करो या कुछ यूज़ करो वो, और अगर आपके डार्क भी हो रहे हैं ना, नेक वगैरह और अंडर आर्म्स वगैरह बहुत ज़्यादा पहले के हिसाब से बहुत डार्क हो रहे हैं, तो भी टेंशन मत लो, वो भी हार्मोन्स से होता है और वो भी बाद में अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ भी सेम हुआ था, मेरा नेक अंडर आर्म्स ये सब बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, और मुझे भी पहले टेंशन आया, ऑब्वियसली यार हम लेडीज़ हैं, हमको तो ब्यूटी फर्स्ट मायने रखती है, तो थोड़ा टेंशन आया। तो स्टार्टिंग में मैंने भी एक दो बार स्क्रब वगैरह किया था, बट बाद में मैं समझ गई कि नहीं ये हार्मोन से हो रहा है, नहीं ठीक होने वाला, मैंने छोड़ दिया। ये देखिए अपने आप मैं वापस अपने चीज़ों पे आ गए। तो ये रही बातें, स्किन कहाँ कहाँ डार्क होती है ये, और फेस का तो हाल मैं क्या बताऊँ आपको, तो पता ही है फेस का हाल तो बहुत ख़राब हो गया था, फेस तो पूरा ही डार्क हो गया था, नेक डार्क हुआ था, अंडर आर्म डार्क हुआ था, और निप्पल जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया था, अब धीरे धीरे आ गया पोजीशन पे, ठीक है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि बेबी बॉय जो होता है ना, अगर पेट में आपके एक लड़का पल रहा है, तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से निप्पल का कलर, गर्दन का कलर, अंडर आर्म से वो अपने आप डार्क होने लगते हैं, और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि वो स्मेल भी अलग सी आती है, तो ये 2-3 चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मतलब है सिम्टम्स बोल सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वाले सिम्टम्स हैं बेबी बॉय के। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किसके किसके साथ में ऐसा हो रहा है कि उनको डार्क पैचेस हो रहे हैं, जैसे गर्दन पे, अंडर आर्म्स में, निप्पल में किसको डार्क हो गया है, और ये हाँ बहुत लोग फिर इस पे ये भी कमेंट करेंगे कि कब से होना चालू हुआ है, तो वो भी मैं बता दूँ कि ये जो स्टार्टिंग से ही होता है, जो ब्रेस्ट का जो भी चेंजेस होते हैं ना, वो आपको 1 महीने के बाद से ही दिखाई देने लगेंगे, जैसे निप्पल डार्क होने लगेगा, ब्रेस्ट हैवी हो जाएगा, ब्रेस्ट में पेन होगा, पेन तो मैं बोलूँ प्रेग्नेंट होने के 2-3 दिन से ही होने लगता है, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है अगर आपको, तो उसका भी टेंशन मत लीजिए, वो होता है, वो ना ब्रेस्ट में पेन वो 6-7 महीने तक क्या उसके आगे भी रहता है, तो और स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसका भी टेंशन मत लीजिए। और जो निप्पल डार्क कलर होता है वो भी आपका स्टार्टिंग में 1-2 महीने के अंदर ही दिखाई देना चालू हो जाता है, ठीक है। तो और जो गर्दन वगैरह काली होती है, अंडर आर्म्स काले वगैरह पड़ जाते हैं, वो भी आपको स्टार्टिंग से धीरे 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 आपको चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, 4-5 महीने तक तो बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं, ठीक है। तो होप आपको ब्रेस्ट एरिया को लेके जो भी क्वेश्चन थे सब सॉल्व हो गए होंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, कोविड का टाइम चल रहा है, बाहर मत निकलिए, मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए, अगर आप सैनिटाइज नहीं कर रहे तो साबुन से ही हाथ धोते रहिए अच्छे से, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी है, देखिए मेरा बिकॉज़ फ़ैन का कूलर का आवाज़ आता है, तो मैंने सब बंद किया है, तो कितने पसीने हो गए, ठीक है। तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत गर्मी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा खाइए पिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है, बाय।